मैं यहाँ पर आप लोगों को वो 20-22 तोहफा विदाउट एनी कॉस्ट देकर जाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे मेरी उम्मीद है, और यहाँ पर जितने भी लोग जो प्रैक्टिस एलोपैथी कर रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक एक नुस्खा एक दिन अगर प्रैक्टिस भी कर ले तो मैं बोलूंगा कि एक साल के अंदर कंप्लीट उनकी पूरी यूनानी की प्रैक्टिस बन जाएगी। तो ये मेरा मिशन है। तो इसके सिलसिले में मेरा एक छोटा सा लेक्चर है, मैं 12-15 ड्रग्स पर इंशाल्लाह मैं मेरी बात खत्म करने को, वैसे तो मैं 120-125 ड्रग का मैं लाया हुआ हूँ, लेकिन उतना तो मैं बोलने का मेरे पास उतना वक्त भी नहीं है और आप लोगों के पास सुनने की शक्ति भी नहीं है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्टेट लेवल का वर्कशॉप हो जिसमें मैं आप लोगों को उसके बनाकर बताऊं और आप लोग उसको जो है घर पर लेके जाएं और आपके मरीजों को दें और वैसे ही आपके मतलब में प्रैक्टिस करें। ये दोनों चीजें इंशाल्लाह आगे चलकर इसके बाद के जो भी वर्कशॉप होंगे उसमें रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर मेरा ये मकसद है कि आप तमाम लोगों को मेरी ये इल्तिजा है कि आप लंच के बाद फौरन जमा हो जाएं, और ये बहुत ही मुफीद और बहुत ही जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बोल सकता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से कई ऐसे ही मेरे लेक्चर्स में बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, उसमें से एक मिनहाज साहब है हमारे, 3 साल पहले हैदराबाद में जब लेक्चर कर रहा था तो उन्होंने पूरी प्रैक्टिस अब एलोपैथी से यूनानी में कर ली और उससे 5 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। वो उनकी जबानी आप सुन सकते हैं बाद में। तो वैसे जो है कई हर स्टेट में जहां भी जितने भी लेक्चर्स हुए हर स्टेट में तकरीबन एक ही लेक्चर के अंदर कई डॉक्टर्स कन्वर्ट होकर फिर यूनानी की तरफ आ गए, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिकली मैं करता हूं वो बोलता हूं, ऐसा नहीं कि एक मैं बोलना है एक मैं आप करना है, बोलने के लिए अलग होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, हकीम लोग क्या करते हैं, नुस्खा जो है डॉक्टर साहब ये लिख लीजिए बोल के नुस्खा देते हैं, लेकिन वो असल नुस्खा नहीं होता, तो कुछ और होता है उनका जो प्रैक्टिस करने का होता है वो कुछ और होता है। तो इस वजह से सेल्फिशनेस की वजह से आज यूनानी की पति आगे नहीं बढ़ी। तो आज हमारे पास जो है मेरा ये मिशन है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को मैं जो प्रैक्टिस मेरी अमल के अंदर है मेरे प्रैक्टिस में 17 सालों की उसका लबोलुबाब उसका निचोड़ आप लोगों को देकर जा रहा है। मुझे कोई नहीं चाहिए, अल्लाह ने मुझे बहुत दे रखा है, मुझे किसी को कोई मोहताज नहीं बनाया, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है सर। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारी यूनानी पति उसी वक्त आगे बढ़ेगी जब तक आप अपने मतलब के अंदर वो चीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कभी किसी ने एक ड्रग नहीं देखा, पूरे ड्रग्स को मैं देखा आया हूं, तकरीबन 150 ड्रग मेरे पास है, अभी यहां पर देख सकते हैं किस शक्ल की ड्रग है, कैसी रहती है और उसकी क्या पहचान है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, असली और नकली में क्या पहचान करना है, वो सामने है आपके, देख सकते हैं, फोटो ले सकते हैं और हाथ में लेकर देख सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो मिलाया हुआ हूं, नंबर 1। नंबर 2 उसके नुस्खा, उसमें से मैं 12-15 ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोल सकूंगा क्योंकि उतना वक्त भी नहीं है मेरे पास। मैं इससे पहले जो हैदराबाद में लेक्चर हुआ 7 घंटे का हुआ, खाना भी रद्द कर दिए डॉक्टर्स, खाना भी हम नहीं चाहते, हम 5 बजे खाएंगे, तब तक कंटिन्यू सुन रहे थे, तो सामने हमारे मीना साहब उसके गवाह है जब वाले ऐसा होता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये सेशन को मैं इसलिए जामे करने की कोशिश, क्योंकि ये यहाँ पर रिक्वेस्ट भी आया है कि मुख्तसर करने के लिए, लेकिन मुख्तसर कितना भी करो वो टॉपिक ऐसी है कि एक न एक निकलता ही रहता है इलाज, कोई एक इलाज पूछता है तो दूसरा इलाज पूछता है, तीसरा इलाज पूछता है, तो उस वजह से नुस्खा निकलते रहते हैं। लेकिन मैं उसमें कॉन्सेंट्रेट करूंगा जो अगर मेरे अभी मैं 10-12 ड्रग्स के जो है उस पर आप बस रोजाना एक नुस्खा, मेरा एक अभी कैलेंडर छपने वाला है, छप चुका है ऑलमोस्ट, उस पे मैं ऐसी कोशिश किया हूं कि हर बच्चा वो कैलेंडर रखे, हर भी यूनिवर्स का बच्चा, उसमें मैंने हर एक महीने के अंदर 12 नुस्खों को रखा हूं और उस पेज के उस मुफर्रक ड्रग के सिलसिले में वो नुस्खे हैं। तो डिजीज वाइज आप नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 प्रैक्टिस करते जाएं और फिर 1 महीना हो गया मैं फिर 2 महीना, तो 1 साल में इंशाल्लाह कंप्लीटली आपकी पूरी प्रैक्टिस यूनानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक मैंने नया मिशन शुरू किया, ऐसा कोई आज तक नहीं किया, तो मेरी कोशिश थी कि ये ऐसे में फैलाओ, क्योंकि ये ना सामने रहता है कैलेंडर और आपको याद आता ही रहेगा और ड्रग देखते रहेंगे, उसके पिक्चर देखते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, फिर उसका नुस्खा आप लिखते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि ये अंदाज में मैं करूं, तो वो भी मैं कर चुका हूं इंशाल्लाह, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ पैसे के बगैर मैं इंशाल्लाह भिजवाऊंगा आपके एड्रेस पर। तो और तीसरी बात इसके अंदर ये है कि हमारे यूनानी के अंदर देखिए बात जब निकली डायबिटीज की, तो डायबिटीज की एक दवा भी लाया हुआ हूं मैं, हमारे मेहमान खुसूसी को दे चुका हूं, एक बेहतरीन दवा है, बस उसकी मीठी पत्ती कहते हैं, वो मीठी पत्ती को शक्कर से 5 गुना ज्यादा मीठा है, खाने के बाद डायबिटीज कम हो जाता है, दिस इज प्रूवन इन द साइंटिफिक रिसर्च।
और तीन बार चाय पियो, डायबिटीज को बढ़ा दो, मीठी चाय पियो मजा लेकर, और एंटी हाइपरलिपिडेमिक है और साथ में एंटी हाइपरटेंसिव भी है, दोनों फंक्शंस को साथ में लिए हुए एंटी डायबिटिक है। तो आप जस्ट इस्तेमाल कीजिए तीन बार चाय, चाय की दो दो ग्राम डाल के इस्तेमाल कीजिए, मीठा चाय पीजिए और डायबिटीज को, मैं अभी यहाँ पर लाया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, खा सकते हैं और मेहमान खुसूसी को भी मैं दे चुका हूँ। ये चीजें मैंने प्रैक्टिकली की है, मैं ऐसी बात बस मैं कोई ऐसी बात कहता नहीं जो मैं नहीं किया हूं। और ये प्रूवन है रिसर्च के, ऐसा नहीं कि ये ऐसा आपके तजुर्बे में आया, लेकिन दूसरा तो लिटरेचर नहीं कहता है कि इसके सिलसिले में कुछ ऐसी बात भी नहीं है, ये भी प्रूवन साइंटिफिक रिसर्च में भी है और तजुर्बात के लिहाज से मैंने प्रूव भी किया है। तो आप लोग जल्द फारिग हो जाइए लंच से, जी बताइए, हाँ 15 मिनट और जल्द जमा हो जाइए, इंशाल्लाह पूरे उसके बाद मैं आपको पेश करूंगा और तमाम के तमाम मुफरदात भी देख सकते हैं, उसके पिक्चर्स निकाल सकते हैं, उसके बारे में जो है आप जो है जब पूछेंगे एंड ऑफ द सेशन लेक्चर के बाद, तो मैं फिर उसके बाद मजीद बताऊंगा इंशाल्लाह।